देखिए बताते हैं छतरपुर जिले में गन्ना नहीं होता है, तो हम देख रहे हैं बड़ा ही हरा भरा और गन्ने का छोटा सा खेत हम देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे इस क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मिस्टर जैन हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो जैन साहब बताएं किसका खेत है ये? ये सर सिद्ध गोपाल वर्मा जी के पत्नी के नाम है। अच्छा अच्छा, ये गन्ना यहाँ अच्छा लह रहा है ये तो? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पर गन्ने लगाने की संभावनाएं कहलाएं? हाँ सर, संभावना है और अच्छा गन्ना होगा। अच्छा अच्छा, तो देखिए इन्होंने बताया कि ये वर्मा जी का खेत है और ये उनका बढ़िया कुआं है, इससे सिंचाई कर रहे हैं। इसमें एक नहीं बल्कि दो दो पंप पड़े हुए हैं और दो पंप पड़े होने का मतलब है कि इसमें पानी पर्याप्त है। तो इस तरह से गन्ने की जो ग्रोथ दिख रही है उससे लगता है कि यहाँ पर गन्ने की संभावनाएं पर्याप्त हमारे छतरपुर जिले में है। और इस तरीके से हमारे छतरपुर जिले के जो भी किसान भाई हैं वो इस तरह से गन्ना लगाने की पहल कर सकते हैं। ये इनोवेटिव वर्क के रूप में या इनोवेटिव क्रॉप के रूप में ये हमारे छतरपुर जिले में इसको आसानी से लिया जा सके। देखिए बढ़िया ग्रोथ हो रही है और ये देखिए काफ़ी हाइट इसमें गई हुई है। ये देखिए हम देख रहे हैं इसके किनारे, देखिए काफ़ी जो हमारे गन्ना वाले जिला या क्षेत्र हैं उसी तरह का गन्ना हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे इनोवेटिव वर्क में हम भविष्य में इस तरफ काम करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, ऐसा हमारे किसान भाई बता रहे हैं, हमारे इस क्षेत्र के मैदानी अधिकारी बता रहे हैं। मैं डॉक्टर बीपी सूत्रकार, सहायक संचालक कृषि तथा अनुविभागीय कृषि अधिकारी छतरपुर मध्य प्रदेश।